तो देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तब है जब ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, है ना। क्या लाना है हमें, प्रूफ क्या करना है, तो इसको देखिए, ये 1 माइनस x का होल स्क्वायर है। अच्छा, 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर है, मतलब 1 माइनस x³, मतलब a³ - b³ का फॉर्मूला तो आना ही चाहिए आपको। अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस x टाइम्स 1 प्लस x और प्लस x² और ये होल स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर और या यूं कहें कि टोटल का स्क्वायर है ना, ये लाना है आपको। अच्छा, दोनों का मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 प्लस x प्लस x² का होल स्क्वायर, मतलब 2 ब्रैकेट 1 माइनस x की लानी है और 2 ब्रैकेट क्या लाना है, 1 प्लस x प्लस x²। तो टारगेट तो फिक्स हो गया, अचीव कैसे करेंगे, तो एक ब्रैकेट तो मुझे साफ दिख रही है कि अगर हम लोग या तो रो को ऐड कर दें या तो कॉलम को ऐड कर दें, है ना। तो पहली कॉलम या पहला रो 1 प्लस x प्लस x² हो जाएगा, काफी आसान है। अब चलिए, स्टार्टिंग तो पता चल गई, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, रो वाइज हम कर ले रहे हैं, तो R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो दैट डिटर्मिनेंट बिकम, या LHS हम इसे कंसीडर कर लेंगे, है ना। RHS तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ लिखा है, क्या हो जाएगा, दैट कुड बी रिटेन एज ए 1 प्लस x प्लस x² 1 प्लस x प्लस x² एंड 1 प्लस x प्लस x², ठीक है। ये पहली रो बन गई और बाकी तो ट्रांसफॉर्म हुई नहीं है, तो एज इट इज आप कॉपी कर दो, है ना, 1 x² और x। अब क्या किया जाए, आपको एक ब्रैकेट कॉमन मिल रही है ना। कॉमन करने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करना, है ना, इक्वलेंट है, डिवाइड करना। R1 को हमने 1 बाई 1 प्लस x प्लस x² से हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस x प्लस x² टाइम्स हो जाएगा, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि डिटरमिनेंट वही बनी रहे। तो दैट इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस x प्लस x². अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन लिख देते हैं ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भाई बतानी पड़ती है, लगानी पड़ती है, और उस पर आपकी स्टेप मार्किंग होती है, हाफ मार्क्स या ये मिलता रहता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, दैट इज यहाँ पे 1 बचा 1 हुआ 1 हुआ, है ना, डिवाइड करेंगे तो। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं है, तो x² 1 और x हो गया, और यहाँ पे x x² और फिर क्या हो गया, 1। अब एक ब्रैकेट तो आपकी आ गई, है ना, 2 ब्रैकेट लानी थी, एक ब्रैकेट आ गई। अब क्या, अब तो बड़ा आसान है आपके लिए, अगर ऑब्जर्वेशन करिए, 3 1 आ गए हैं, तो इस 1 को इस्तेमाल करके हम यहाँ 0 और यहाँ 0 बना लें। और ये हर बार करते हैं, अगर किसी रो में आपको या किसी कॉलम में 3 1 लगातार मिल जाए, तो आराम से आप ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 को यूज करके 2 जगह 0 बना लीजिए। चाहे ये आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, वहां की बात करें या फिर यहाँ की बात करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन लिख दीजिए। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, C2 ट्रांसफॉर्म होगा C2 माइनस C1, साथ में C3 ट्रांसफॉर्म होगा C3 माइनस C1। क्या हो जाएगा आपका, योर डिटर्मिनेंट बिकम, ये तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे -1 फिर ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, -x² और फिर 1 में ऐड कर देंगे तो 1 माइनस x², है ना, -C1 करना है, फिर -x ला के यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² - x हो जाएगा। फिर यहाँ -1 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए, 0 हो गया, ठीक है, 0 है ये। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x - x² -x ला के ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, 1 - x। अब आपको दिखना चाहिए कि दूसरे कॉलम से 1 - x हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन कैसे, क्या यहाँ 1 - x है, बिल्कुल है, ये a² - b² से फैक्टराइज कर लोगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - x और 1 प्लस x, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा। और यहाँ पे -x कॉमन कर लीजिए, क्यों -x, क्योंकि 1 - x लाना है, यहाँ से -x कॉमन कर लेते हैं, आपका आ जाएगा 1 - x, ठीक है। यहाँ पे देखिए, x कॉमन कर ले तो यहाँ भी आपका 1 - x है, तो x कॉमन कर लेते हैं, वी गेट 1 - x। अब देखिए, इस कॉलम से भी 1 - x कॉमन हो रहा है और इस कॉलम से भी 1 - x कॉमन हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया जाए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका,
ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कॉमन करने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, है ना। चाहे रो से कॉमन करें तो रो को डिवाइड करते हैं, कॉलम से कॉमन कर रहे हैं तो कॉलम को डिवाइड करेंगे। अच्छा इसको छोड़ देते हैं ताकि हमारा टारगेट क्या है, अचीव करना है, उसे हम यहाँ पे रहने दें, आपको दिखता रहे, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, सी टू से हम वन बाई वन माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, सी थ्री से भी कॉमन कर रहे हैं, तो वन माइनस एक्स टाइम्स सी थ्री। अब आपके डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, जो पहले थी बाहर वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स, यहाँ से कॉमन किया है, दो कॉमन किया है आपने, है ना, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स, दोनों ब्रैकेट आ गई, ठीक है। तो आपका टारगेट तो अचीव हो गया, एक ये दोनों ब्रैकेट आ गई, यहाँ से एक ब्रैकेट आई है, एक ब्रैकेट सिर्फ बची है, बचा क्या आपके पास, यहाँ वन हो गया, खैर यहाँ से तो ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं है ये, तो इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर जीरो हो गया, और फिर क्या हो गया आपका, वन प्लस एक्स हो गया, एंड यहाँ पर माइनस एक्स हो गया। थर्ड कॉलम आपका क्या हुआ, थर्ड कॉलम बिकम जीरो, और फिर डिवाइड किया वन माइनस एक्स से एक्स बच गया, और फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे वन बच गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, सिंपल, दो जीरो आप अचीव कर चुके हैं, है ना, और किसी रो या कॉलम में दो जीरो अगर आ जाए तो इससे ज़्यादा जीरो तो हो नहीं सकते हैं, नहीं तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्सपेंड कर दीजिए अलॉन्ग आर वन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आर वन, है ना, क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्सपेंड करेंगे तो वन टाइम्स टू बाई टू की डिटर्मिनेंट आ जाएगी, ये बंद, पहला रो बंद और पहला कॉलम बंद, है ना, क्या बचेगा, वन प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स और वन, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स माइनस टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां देखिए ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, हम यही लिख दे रहे हैं, और इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, है ना, तो ये ब्रैकेट हटा देते हैं इधर वाली, तो क्या हो गया आपका, दैट बिकम वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वो ब्रैकेट पहले से पड़ी हुई है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये हम लोग हटा देंगे, है ना, आप नेक्स्ट सिस्टम में आराम से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग आ ही गए, है ना, दोनों ब्रैकेट हमारी अचीव कर गई, यहाँ से उल्टा चले जाएंगे, है ना, तो क्या लिख लो गया, दैट इज रिटेन एज ए वन माइनस एक्स टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंदर, वन माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे आप लिख दोगे वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू योर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड।